वेलकम बैक टू आवर चैनल। पहले हमने TCS के रेगुलर सेटअप के बारे में जानकारी दी थी। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे TCS सेक्शन 206C1H के सेटअप के बारे में। सेलर के लिए TCS प्रोविजन को एक्सटेंड करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 द्वारा एक नई धारा 206C1H इंट्रोड्यूस की गई है। TCS कब एप्लीकेबल होगा? ये प्रोविजन केवल उस सेलर पर लागू होता है जिसका ग्रोस टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर से पहले के फाइनेंशियल ईयर के दौरान 10 करोड़ रुपए से अधिक है। यहाँ पर सेलर बायर से TCS कलेक्ट करने के लिए लायबल है। टैक्स कब कलेक्ट किया जाता है? इस प्रोविजन के अनुसार यदि सेलिंग की एग्रीगेट वैल्यू रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान 50 लाख रुपए से अधिक हो तो इस अमाउंट की रिसीट के समय ही TCS काटा जाना चाहिए। एप्लीकेबल रेट, यदि बायर अपना पान प्रोवाइड करता है तो TCS एक्सेसिबल अमाउंट पर TCS 0.1% लागू होगा और यदि बायर अपना पान प्रोवाइड नहीं करता है तो 1% TCS रेट लागू होगा। TCS डिपॉजिट करने की ड्यू डेट्स क्या है? सेलर को टैक्स कलेक्ट करने के बाद इन कंडीशंस का पालन करना होगा। महीने के दौरान कलेक्ट किए गए टैक्स को बाद के महीने की 7 तारीख को या उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के क्रेडिट में जमा करना होगा। फॉर्म 27EQ में रिटर्न दाखिल करने के 15 दिन के भीतर बायर को फॉर्म 27D में TCS सर्टिफिकेट जारी करना होगा। TCS रिटर्न, TCS रिगार्डिंग डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन फॉर्म 27EQ में मेंशन होती है, जो एक क्वार्टरली स्टेटमेंट है। TCS सर्टिफिकेट, फॉर्म 27D TCS का सर्टिफिकेट है। एग्जेम्पशन, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को TCS सेक्शन 206C1H से छूट दी गई है और बायर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, लोकल अथॉरिटी आदि से रिलेटेड है उन पर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। चलिए मिरेकल में TCS सेटअप देखते हैं। गो टू सेटअप, कंपनी सेटअप और TDS TCS सेटअप में TCS सेक्शन 206C1H सेटअप दिया हुआ है। इस ऑप्शन को एनेबल करें। जैसे ही यस सेट करते हैं तो यहाँ दो सेटअप्स और ऐड हो जाएंगे। इन सब का यूज हम वन बाय वन देखेंगे। चलिए पहले हम TCS सेक्शन 206C1H का यूज देखते हैं। यहाँ अकाउंट मास्टर में यहाँ पर हमें अलग से TCS अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। मिरेकल में ऑटोमेटिकली TCS 206C1H अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जो सेल्स के लिए है और TCS 206C1H डिडक्टेड अकाउंट परचेज का भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। पार्टी डिटेल्स में TCS 206C1H का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। यहाँ हमें यस सेट करना है। नाउ गो टू सेल्स एंट्री, सेल्स इनवॉइस। यहाँ सेटअप ऑप्शन में TCS 206C1H रिक्वायर्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ यस सेट करें। अब यहाँ एक्सपेंस डिटेल्स में TCS 106C1H का एक्सपेंस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। चलिए अब एक सेल्स एंट्री करते हैं। यहाँ डिटेल्स ऐड करें, रेट एंटर करें और आप यहां देख सकते हैं कि 1% के आधार पर TCS की कैलकुलेशन हुई है, क्योंकि हमने इस पार्टी का पान नंबर ऐड नहीं किया है। अगर हमने पान नंबर ऐड किया होगा तो TCS की कैलकुलेशन 0.1% के आधार पर होगी। चलिए अब TCS 206C1H की रिपोर्ट में देखते हैं कि हमें सामने वाली पार्टी से कितना TCS कलेक्ट करना है। ये TCS 206C1H की रिपोर्ट है। यहाँ TCS 1% लगा है और TCS कलेक्टेड विथ सेल्स इतना है और हमें सामने वाली पार्टी से 14,900 का TCS अमाउंट कलेक्ट करना है। चलिए अब बैंक रिसीट की एंट्री करते हैं। गो टू कैश बैंक एंट्री, क्लिक ऑन बैंक रिसीट, यहाँ पर अमाउंट ऐड करें। अगर हमने सेल्स बिल नहीं बनाया है और उसकी सिर्फ रिसीट के टाइम TCS कलेक्ट करना है तो TCS अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम 2 TCS अकाउंट सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने सेल किया तब भी TCS कलेक्ट किया और जब रिसीट बनाई तब भी कलेक्ट की, तो इस हिसाब से 2 बार TCS कलेक्ट हो गया। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 2 पार्टी अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। क्लिक ऑन ओके टू सेव। अब यहाँ TCS 206C1H रिपोर्ट में TCS जितना हमें कलेक्ट करना था वो देख सकते हैं।
और जितना हमने सामने वाली पार्टी से कलेक्ट कर लिया है वो भी देख सकते हैं। और यहाँ TCS पार्टी क्रेडिट में अमाउंट जीरो हो गया है। इसके बाद TCS सेक्शन 2061H की सभी प्रोसेसेस जैसे TCS चलन, TCS बैंक पेमेंट, TCS सर्टिफिकेट, TCS फॉर्म्स और TCS रिटर्न रेगुलर TCS की तरह ही रहेगी। और जानकारी के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें। चलिए अब सेपरेट डेबिट नोट ऑप्शन का सेटअप देखते हैं। ये सेटअप उस यूजर को हेल्पफुल होगा जिसको TCS 2061H टैक्स बिल में या रिसीट के दौरान कलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहती है, तो उसके लिए अलग से एक ऑप्शन दिया है सेपरेट डेबिट नोट का। यहाँ यस सेट करें और ऑप्शन एनेबल करें। चलिए बैंक रिसीट ऐड करते हैं। अमाउंट एंटर करें और यहाँ TCS अकाउंट इफेक्ट में सेपरेट डेबिट नोट का ऑप्शन ऐड हो गया है। क्लिक ऑन ओके टू सेव। नेक्स्ट हमें TCS 2061H रिपोर्ट में से जर्नल वाउचर जनरेट करना होगा। यहाँ बैंक रिसीट की एंट्री देख सकते हैं, उसे सिलेक्ट करें। अब हम इसका जर्नल वाउचर जनरेट करेंगे। यहाँ पर TCS कलेक्टेड विथ डेबिट नोट का अमाउंट आप देख सकते हैं। अब इग्नोर थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में जानते हैं। इस सेटअप जो TCS 2061H की 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है उसे इग्नोर करेगा और TCS की कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें बायर के सभी सेल्स इनवॉइसेस में या रिसिट में TCS 2061H एनेबल होगा। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल को समाप्त करते हैं।